अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी, मेक श्योर दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस एनीथिंग विच विल टेक यू टू योर गोल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है यार, दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा एंड ऑल। लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने, समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचता है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। बोला मेरे पास ऑप्शन है, बोलते क्या? बोला देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले, क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है? अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा, सॉरी राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। यूपीएससी सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। जैसे सर ने बोला, इट्स अ गेम ऑफ विजडम। आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा यहां से। यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को आप मिलोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग,
अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई पूछने जाते हैं, भाई इसमें कौन सी बुक पढ़ू, इसमें क्या पढ़ू, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी। व्हाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है। अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके और कभी डॉक्टर को ये बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना मुझे वही मेडिसिन चाहिए? डिड यू से लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है। सेम चीज विद यूपीएससी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है। व्हाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं? आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ। मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र, आई डिडेंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। मैंने मेंस में जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर का एक एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक एक पेपर लिखा है। दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस बिकॉज आई न्यू वॉट आर माई स्ट्रेंथ एंड वॉट आर माई वीकनेसेस। मेंस में तीन चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. Getting my point? So if you are the aspirant ki jisko lagta hai ki 3 ghante mein mere se paper finish nahi hota, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. But kisi topper ne 50 paper likhe hai, 3 test series join kiya hai, isliye mujhe bhi karna padega. No, that's not the rule in UPSC. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की मैं वहां चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ एंड दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की, दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया है, वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है। लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड। इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम। मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन। आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है। अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं। Why to waste your time and energy on something which is just qualifying? Instead of that, put your focus and energy to something, mains and interview, ki jiski wajah se aapko service milna hai. Good marks in mains ensure that you are in the list. Good marks in interview ensure that you get the service of your preference. Prelims is about quality. Mains is about quantity. प्रीलिम्स में ऑलवेज मेरा टारगेट एक ही था, जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, आई जस्ट नीड टू क्रॉस 120, दैट्स ऑल। जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, आई पुट द पेपर असाइड, क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है। दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना, वो प्रीलिम्स का काम था। एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। एज सर सेड, there is no separate preparation for prelims. What I did, January tak mains oriented preparation, February se I started test series, Vajiram mein January se test series start ho jati hai. I started test series, I started revising the things and then prelims aa gaya, de diya khatam. So mera strictly ek hi cheez aapko kehna hai ki agar aapka prelims June mein hai, to mid of May tak sari test series khatam kijiye. Last 15 days mein sirf UPSC ke previous year ke papers kijiye.
तो आपका जो माइंड सेट है वो यूपीएससी एंगल से सेट हो जाएगा। जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलता है, वहां पे पूछताछ होगी नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा, हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू कम एंड मीट यू, दीज थिंग्स आर बीइंग टेस्टेड ड्यूरिंग यूपीएससी इंटरव्यू। और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन। बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, टू बी वेरी क्लियर, आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड ऑफ गुजरात, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में। 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में। एंड येट आई कैन गिव माई यूपीएससी इंटरव्यू इन इंग्लिश इन दिल्ली एंड स्कोर सच मार्क्स। वेर डिड इट कम फ्रॉम, कहां से आता है ये? मुझे अभी भी याद है, मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहाँ पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे सीबीएसई आईसीएसई वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहाँ पे पहुँचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी मेट्रो सिटी। एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट मदर।